हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो मेरी कल की है, थोड़ा सा रह गया था, मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, ये वाली मिस हो गई थी मुझसे। तो मैंने क्लीनिंग करने के बाद फिर बेडशीट चेंज की थी, और अभी पर्दे भी लगाना था मुझे, पर्दा धोया है। पर्दे भी अक्की से लगवा लूँगी, वो चढ़ जाता है वहाँ पे, आसानी से लगा देगा बैठ के आराम से, तो वो उससे लगवाऊंगी। और अभी रोजे भी चल रहे हैं, तो मैं भूल गई थी आप लोगों को रोज़ों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। रमज़ान भी अच्छे से चले जाएं और ये बीमारी भी चली जाए दुनिया से, तो सब लोग अच्छे से कर पाएंगे। और फिर ईद आएगी, ईद तभी अच्छे से सेलिब्रेट होगी जब पूरा देश हमारा आज़ाद होगा इस बीमारी से, नहीं तो बस अब की बार सभी के अरमान ऐसे ही रह जाएंगे। बहुत मुश्किल हो रही है, कोई भी अपनी मन की नहीं कर पा रहा है, परेशान है सब, तो इस बीमारी से पता नहीं कब तक मुक्ति मिलेगी। दे सारे ले बिगड़वा दे सारे कुंडे से जब ही होई ना पकड़ा बेटा पर से पकड़ अब तो अंडे में कहां बांधू ले बस अब तो लगा देगा सारा ही। दोनों बहन भाई लगे हुए हैं पर इनसे लगाए नहीं जा रहे हैं। एक बार तो निकाल दिए थे मैंने, इनको बना के दिया था वो निकाल दिए थे, फिर दोबारा से मैंने अच्छे से बना के दिए हैं तब जाके लगा पाया है। और यहाँ पे मैंने पर्दा इस वजह से ही लगवाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जाती रहती है और इसको मैं झाड़ती रहती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल चढ़ जाती है वहाँ पर, काफ़ी सामान आ जाता है। आराम है इसका बहुत, एक इस रूम में है और एक दीदी के रूम में है, उधर दूसरे वाले रूम में भी बना हुआ है ऐसे ही, पर वहाँ पे पर्दा नहीं लगवा पाए थे, थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी वहाँ पर्दा लगाने में, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं लगवा पाए थे। और यहाँ पे तो मैंने लगवा ही लिया था, बहुत बोला मैंने कई बार तब जाके लगवाया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज दिन है शनिवार, डेट है आज 25 अप्रैल, और अप्रैल का महीना भी चला गया, ख़त्म हो गया पूरा, ऐसे ही निकल गया। अब की बार तो कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही कहीं शॉपिंग, ना ही बच्चों के स्कूल, ना ही बच्चों की यूनिफॉर्म, ना ही बच्चों की बुक, कुछ नहीं आ पाया अब की बार। और बच्चे भी घर पे ही हैं, इनकी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अब की बार। तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और कमेंट तो मुझे आ जाते हैं ऐसे ऐसे, तो मैं उनका अगर जवाब दे देती हूँ तो वो फिर डिलीट कर देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो मुझे। वीडियो देखते हैं पर अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और ये भी नहीं है कि वीडियो मैं अभी बनाने लगी हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते भी, इतने में तो इंसान का नेचर समझ ही जाते हैं। पर समझने वाले मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, जो मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, और वो कभी भी ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, उन्हें सब पता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ ही दिखाती हूँ, लाइफ से रिलेटिव ही वीडियो डालती हूँ, कुछ अलग नहीं है, दिखावा नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लग रही है।
थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है, आप लोग भी पी लीजिए। प्यास लग रही है तो पानी पी लेते हैं पहले। अभी फ्रिज में नहीं रखते हैं, हम नॉर्मल पानी पीते हैं नल का या समरसेबिल का। तो आज मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी, आइए आप लोग भी नमक की रोटी और पुदीने की चटनी से खाएंगे सब लोग। बहुत सारा पुदीना हो रहा था तो मैं इसको सोचती कि काट लूं, पर काटने का टाइम नहीं मिल पाया। और अभी मैं कुछ की तो चटनी बना लूंगी, कुछ कल देखते हैं, कल काट लेंगे। कल काट के इसको धूप में डाल देंगे और सूख जाएगा। उसके बाद फिर मट्ठा छोंक लगाते हैं, उसमें डाल लेते हैं, बहुत काम आता है और अच्छा भी लगता है। मट्ठे में डाल के टेस्टी लगता है मट्ठा, बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत पसंद है पुदीना डाल के मट्ठा, पीने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो पुदीना अच्छा लगता है चटनी में भी, जिस भी चीज़ में डाल लो उसमें ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा बाहरी तरफ है और देखिए कितने अच्छे से हो रहा भी है वहाँ पे। अभी मैं आ गई हूँ, इसको धो के लेकर आ गई थी अच्छे से, और अभी मैंने इसको पानी में डाल दिया थोड़ी देर के लिए। और इसमें प्याज भी काट ली थी, वो भी धो ली है अच्छे से, हरी मिर्च भी धो ली है। अभी इसको मिक्सर में पीस के लेके आऊँगी। मिक्सर में भी बनाते हैं ज़्यादातर तो हम, पर कभी कभी जब थोड़ी बनती है माम जिस्ते में बना लेते हैं, कुंडी सोटे से बन जाती है, सिलबट्टे पे बहुत अच्छी बनती है। पर अभी तो सब टाइम की बचत करने में लगे रहते हैं, इस वजह से मिक्सर में ही पीसते हैं सभी। मेरे नाना जी को बहुत शौक था चटनी का, वो कुंडी सोटे में पीसते थे, बहुत टेस्टी चटनी बनाते थे, बहुत अच्छी लगती थी, खुद से ही बना लेते थे। मुझे तो बहुत पसंद थी उनके हाथों की चटनी। अभी मैं मिस करती हूँ वो सब। पहले मैं अपने मामा के यहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे बहुत खाती थी नाना जी के हाथ की चटनी, बहुत अच्छी लगती थी मुझे, बहुत पसंद थी। तो बस अभी तो कुछ नहीं ऐसा रहा। आम की चटनी बहुत टेस्टी बनाते थे मेरे नाना जी, आम की चटनी मैं अभी भी मिस करती हूँ। और मैं बना तो लेती हूँ पर वैसी नहीं बन पाती जैसी मेरे नाना जी बनाते थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद आती रहती हैं, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो अभी मैंने इसमें एक टमाटर भी डाल लिया काट के, और इसको पीस के लेके आऊँगी। टमाटर डाल के भी टेस्टी लगती है, एक टमाटर डालने से ही इसका स्वाद चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छी लगती है। एक बार पहले बनाई थी पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, और आज फिर से बना रही हूँ ऐसे ही। हरी मिर्च तो एक ही थी, इस वजह से मैंने इसमें एक ही डाल ली है, बाकी लाल मिर्च डाल ली है थोड़ी सी। धनिया भी डाल दिया है, नमक डालना है अभी, धनिया सौंप गर्म मसाला तो नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी बस मैं इसको पीस के लेके आऊँगी, ये बिल्कुल रेडी है। चटनी को भी पीस लिया है, अभी रोटी बनानी रह गई है, दूध पकाना रह गया है, दूध भी पकाना है मिट्टी में आग जला के। मम्मी जा रही है मंदिर, शनिवार के दिन मम्मी जाती है मंदिर में, तो उन्होंने भी अपना सारा सामान तैयार कर लिया है। मैं अभी रोटी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, आटा मैंने बना के रख लिया था, अभी मैं रोटी बना रही हूँ, दूध भी घोलना है। तो एक कमेंट मुझे आया था कि आप दूध घोलना मत बोला करो, दूध मीठा भी करना है, तो ऐसे ही बोल लेते हैं, दूध भी मीठा करना है, वो दीदी कर देंगी। हमारी बड़ी वाली दीदी अभी ऊपर नहीं आई हैं, वो नीचे लगी हैं, पशुओं को पानी दिखा रही हैं, मम्मी मंदिर में गई हैं, तो वो पानी दिखाने के बाद ही आएंगी, वो खाना खिला देंगी सबको, हेल्प करा देती हैं वो खाना देने में। दीदी दे देती है उनको घाल घाल के, तो वो दे देती हैं जल्दी जल्दी से, काम हो जाता है जल्दी, ख़त्म हो जाता है। तो अभी वो आ गई हैं, उन्हीं से बातें कर रहे थे। बहुत सारे कमेंट आते ही रहते हैं, आप अपनी जेठानी से गप सप नहीं करती हो, मजाक नहीं करती हो। तो नेचर नाम की भी कोई चीज़ होती है, स्वभाव इंसान का जिसका जैसा होता है उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना पड़ता है। तो हम तो बहुत मजाक मस्ती करते हैं आपस में, मम्मी भी बुरा नहीं मानती है, मम्मी के साथ में भी कर लेते हैं हम मजाक, तो ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। और वो हमारी जो है वो अलग स्वभाव की हैं, वो मजाक मस्ती कुछ नहीं करती हैं, वो बहुत ही अलग मिजाज की हैं, तो उनके साथ में हम ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं करते, फिर बुरा लग जाए तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है।
जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके साथ ऐसा ही रहना पड़ता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनसे लड़ाई झगड़ा है या कुछ है। पहले से उन्हें कम बातें करने की आदत है, ज़्यादा बातें भी नहीं करती हैं, और बच्चों के साथ में भी वो बहुत ही कम हंसती बोलती हैं, ऐसे ऐसे ही रहती हैं, बस अपने काम से काम रखती हैं। तो अब बताइए आप लोग, अगर कोई मजाक मस्ती नहीं करता इंसान तो उसके साथ में ज़बरदस्ती करें। वैसे मैं चाहे कितनी बार भी बता लूँ पर आप लोगों को विश्वास तो आएगा नहीं, जिनको नेगेटिव कमेंट करने हैं वो तो करेगा ही करेगा, और जिनको पता है सब कुछ जानते हैं जॉइंट फैमिली से हैं वो समझ सकते हैं कि घर परिवार में सभी का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। खाना तैयार है, दूध और चटनी आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो का मैं कर लेती हूँ यहीं पर एंड, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, उनके पापा जी भी बैठे हुए हैं उनके साथ में खेल रहे हैं। इनका अजीब सा खेल रहता है, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं। बहुत सारा होमवर्क भी हो गया है इनका, फ़ोन में भेजती रहती है मैम, पर इनका टाइम नहीं मिलता करने का, ये नहीं मानते ना ही होमवर्क करते हैं, बस पूरा दिन ऐसे ही लगे रहते हैं। ये क्या खेल है रे इनका, ये नए खेल कार्ड ने हर चीज में से नंबर लिख के अपने पर खेल बना लिया ने नया अच्छा है। ये कौन सा खेल, हमने तो कोई देखा नहीं। सो गिट्टी एक पर चली गई फिर बस। प्लीज भाइयों बहनों और बच्चों बताइएगा कि ऐसा खेल कौन कौन खेलता है।